टाइप सीखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को फिंगर सेटअप करना पड़ेगा। फिंगर अगर तुम्हारा सेटअप नहीं होगा तो टाइप तुम नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो टाइप के जो मेन जो इम्पोर्टेंट बोल सकते हो कि जो काम है वो है फिंगर को, किसके कौन सा कीज के ऊपर कौन सा फिंगर रहते हैं, ये हम लोगों को सबसे पहले सीखना पड़ेगा। तो आज का जो टास्क है वो मैं जो जो उंगली के साथ जो जो कीज को प्रेस करने के लिए बोलूँगा और जितना पेज प्रैक्टिस करने के लिए बोलूँगा उतना ही तुम लोगों को करना पड़ेगा। तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को ये जो टाइप का जो फुल कोर्स है वो मैं लगभग 7 दिन में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। आप लोग तुम लोगों को सिर्फ मेरा जो जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा वो सब फॉलो करना पड़ेगा और कुछ नहीं। अगर तुम एक कोर्स कोर्स में भर्ती होगे या फिर तुम लोग अगर कोई कोचिंग में तुम एडमिशन हो गए तो तुम लोगों को 3 महीने कम से कम लगेगा ही लगेगा। तो मैं 7 दिन में पूरा फुल कोर्स कंप्लीट कर दूंगा और तुम लोगों को तुम देख लेना 7 दिन बाद तुम्हारा मिनिमम 40 से 45 स्पीड आ जाएगा टाइप में। तो तुम लोगों को सिर्फ मेहनत करना पड़ेगा, मैं जो जो इंस्ट्रक्शन दूंगा वो तुम लोगों को सिर्फ ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो आज का जो मेन टास्क है जो वो अच्छे से देख लो और जैसा जैसा मैं उंगली जैसा जैसा सेटअप कर रहा हूँ वैसे ही तुम लोग भी उंगली सेटअप कर घर पर प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर कंप्यूटर नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, मैं एक वीडियो बना दूंगा उसमें भी दिखा दूंगा कि कैसे तुम लोग मोबाइल से टाइप कर कीबोर्ड से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एक कीबोर्ड खरीद लेना और एक OTG खरीद लेना और उसके साथ कनेक्ट कर देना मोबाइल के साथ, बस आराम से हो जाएगा। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, सबसे पहले इसमें देख लो कि कैसे टाइप कर सकते हो तुम वो भी बिना देखे। तो सबसे पहले जो हमारा जो ये यहाँ पर देख लो कैसा पेज उंगली जो सेटअप होता है वो कैसे होता है वो देख लो। तो पहले ये जो हमारा छोटा उंगली है इसको ए के ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। हल्का सा ए के ऊपर रखो, उसके बाद का जो उंगली है उसको एस के ऊपर रखो, उसके बाद जो उंगली है उसको डी के ऊपर रखना पड़ेगा और उसके बाद जो उंगली है उसको एफ के ऊपर रखना पड़ेगा। और इस उंगली का कोई अभी काम नहीं है, ठीक है। और इधर राइट हैंड साइड में देखो, इसमें जो है इसमें जो छोटा उंगली है इसको ये जो सेमी कॉलन होता है इसके ऊपर रखना पड़ेगा, उसके बाद जो उंगली है उसको एल के ऊपर रखना पड़ेगा, उसके बाद जो उंगली है ये बड़ा उंगली को के ऊपर रखना पड़ेगा और ये जो उंगली है इसको जे के ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें जो थंब उंगली है ये उंगली को आप तुम लोग ये स्पेस जो बार होता है ये बार को कहते हैं एक ये जो की है इसको कहते हैं स्पेस, तो इसके ऊपर रखना पड़ेगा हल्का से। तो अभी देख लो तुम लोगों का जो काम है वो क्या करोगे, ए उंगली से ए को ही दबाना, ठीक है। इस उंगली से एस को ही दबाना, इस उंगली से डी को दबाना, इस उंगली से एफ को दबाना। मैं दिखाने के लिए ऐसे ऊपर उठा रहा हूँ, तुम लोग जब टाइप करोगे तो ऐसे ऊपर उठा कर नहीं करोगे तो भी चलेगा, तुम लोग ऐसे ए एस डी एफ ऐसे करके भी कर सकते हो, ठीक है। और इस उंगली से जैसा एफ होगा इस उंगली से ही जी भी हो जाएगा, ठीक है। इस उंगली का दो काम है या ध्यान से याद रखना, जैसा ये इस उंगली से अभी तुम लोग सिर्फ ए का ए प्रेस करोगे, उसके बाद जो उंगली है वो एस प्रेस करोगे, उसके बाद जो उंगली है वो डी प्रेस करोगे और उसके बाद जो उंगली है वो एफ प्रेस करोगे, ठीक है। तो ए एस डी एफ जी, ध्यान से ये फॉर्मूला याद रख लेना, अपने आप जब करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा, फिर भी कोशिश करना कि ये दिमाग में एकदम घुस जाए, ठीक है। तो ए एस डी एफ जी जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उसका जो उंगली है उसका काम है ए एस डी एफ जी ऐसा प्रेस करना, ठीक है। और इधर राइट हैंड साइड जो है राइट हैंड का जो फिंगर्स है उसको ये जो छोटा उंगली से ये सेमी कॉलन को दबाना, ठीक है। उसके बाद एल को दबाना, उसके बाद के को दबाना, उसके बाद जे को दबाना और इस उंगली से ही एच को भी दबाना, ठीक है। जे एच इस उंगली का दो काम है, दो दो की तुम दबा मतलब दो काम है, ठीक है, जे और एच। तो देख लो ए एस डी एफ जी इधर सेमीकोलन एल के जे एच, ठीक है, ए एस डी एफ जी और इधर सेमीकोलन एल के जे एच। तो ऐसा ही है मेन जो आज का टास्क है यही है टास्क, ठीक है, कि ए एस डी एफ जी सेमीकोलन एल के जे एच, इसको तुम लोगों को घर पर 15 पेज मतलब 15 पेज तुम लोगों को ऐसे कर टाइप करना है। टाइप के जब टाइप करोगे तो इसके साथ स्पेस भी देना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ कैसे करोगे। ए एस डी एफ जी स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच स्पेस ए स्पेस डी एस स्पेस डी स्पेस
एफ स्पेस जी स्पेस, इधर फिर से वही सेमी कॉलन स्पेस एल स्पेस के स्पेस जे स्पेस एच स्पेस। तो जब उंगली रहेगा तो हवा में रहेगा लेकिन हल्का से यहाँ पर, और ये जो उंगली है ना, ये बाम साइड का जो बुरा उंगली है, ये जो थाम उंगली है, इसको इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, टाइप में ये उंगली का कोई काम नहीं होता है। तो ऐसे फिर ऐसे पकड़ना, ठीक है, ऐसे ऐसे करके रखना हाथ, और हल्का सा सब सब उंगली के ऊपर ही, सब की के ऊपर ही उंगली रहेगा लेकिन हल्का सा, ठीक है। और जो जिस उंगली का काम करोगे उस उंगली को ही सिर्फ प्रेस करोगे। पहले देखना हाथ थोड़ा कांपेगा, ठीक है, उसके बाद देख, जब अपने आप जब लिखोगे ना तो ना अपने आप काम, मतलब अपने आप देखना सब ठीक, एकदम ठीक ठाक सेटअप हो जाएगा। तो बाद में जब प्रैक्टिस करोगे तो देखना एकदम सब ठीक ठाक अपने आप हो जाएगा। जैसा मैं यहाँ पर एक लाइन टाइप करके दिखाता हूँ, जैसा मैं लिख रहा हूँ कि आई एम एच ई एम एस एच ए हिमसा, ऐसा करके आई एम हिमसा, तो ऐसा कर तुम लोग आराम से टाइप कर सकते हो। तो घर पर 15 पेज करना पड़ेगा, 15 पेज। फिर से मैं लास्ट बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर ए एस डी एफ जी स्पेस सेमी कोलोन एल के जे एच स्पेस ए स्पेस एस स्पेस डी स्पेस एफ स्पेस जी स्पेस सेमी कोलोन स्पेस एल स्पेस के स्पेस जे स्पेस एच स्पेस। यही सिर्फ 2 रूल्स है आज के लिए, ठीक है।